हेलो। हाँ क्या? क्या हुआ? वो बच्ची मिल नहीं रही है, मिसेस राजपाल की बच्ची। देखिए, रॉबिन अभी तक आया नहीं है, इसका मतलब है वो अभी भी खोज में लगा हुआ है। इट्स अ बिग प्लेस, यू नो, वी शुडंट लूज होप। I feel that she should go through the process of psychoanalysis. मैं कुछ समझी नहीं। Don't hold back. हमारा नाम गोविंद। फोन पे बात किया था हम आपसे। अब आगे। मैं गीता की सौगंध खाकर बोलता हूं, जो भी बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। मिस्टर सक्सेना, ये कितनी पुरानी बात है मूलचंदानी जी कि मिस्टर राजपाल आकाश गंगा हाउसिंग सोसाइटी में रहा करते थे। अब यही कोई 4 बरस वो वहां पर रहा, 1990 में आया और 94 में चला गया। क्या आप तब भी उस हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी थे? हाँ, मैं पिछला 10 बरस से सोसाइटी का सेक्रेटरी है। फिर तो उन 4 सालों में आपसे उनका रेगुलर कॉन्टेक्ट रहा होगा। रेगुलर कॉन्टेक्ट? अरे नहीं भाई, वो ऐसे ही नॉर्मल कॉन्टेक्ट जैसा होता है वैसा ही था। मूलचंदानी जी, मिस्टर राजपाल के परिवार के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपका मतलब नहीं समझा वकील साहब। मेरा मतलब है कि वो कैसे लोग थे, कभी किसी किस्म के एबनॉर्मल बिहेवियर का संकेत आपको मिला? एबनॉर्मल बिहेवियर? वकील साहब, मैं पिछले 10 साल से सोसाइटी का सेक्रेटरी है और इस 10 बरस में मुझको एक भी फैमिली नॉर्मल नहीं लगा। नहीं, मेरा मतलब है कि उन 4 सालों में जब मिस्टर राजपाल वहां रहा करते थे, तब कोई ऐसी बात हुई हो जिससे सोसाइटी को कोई नाराजगी, कोई शिकायत हुई हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात मेरे को याद नहीं आती। थैंक यू मिस्टर मूलचंद। हाँ, एक और सवाल, वो आपके सोसाइटी का जो वॉचमैन है। कौन सा वॉचमैन? सोसाइटी में तो 6 वॉचमैन है। आप नाम बता सकते हैं? हाँ हाँ, बाबूलाल है, संता सिंह है, हरि प्रसाद है, राम प्रकाश है। ये राम प्रकाश, उसके बारे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा का कहना है कि वो 2-3 दिन से गायब है, एब्सकॉन्डिंग है। क्या ये सच है? एब्सकॉन्डिंग? एब्सकॉन्डिंग होने का उसको क्या जरूरत है? अरे वो तो अपना पगार एडवांस लेकर, छुट्टी लेकर अपना घर 10-12 दिन पहले गया हुआ है। थैंक यू मिस्टर मूलचंदानी। That's all, my lord. Mr. Kaushik, ये कैसेट देख रहे हैं आप? इस कैसेट में जो कुछ है, क्या आपने उसे गौर से सुना है? जी हाँ। तो क्या आप हमें ये बताएंगे कि जो बातचीत हम फोरग्राउंड में सुन रहे हैं और जो आवाजें हमें बैकग्राउंड में सुनाई दे रही हैं, वो दोनों अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर रिकॉर्ड की गई हूं? इज इट पॉसिबल? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, द सीओडी इज ट्राइंग टू लीड द विटनेस टू अ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ओवररूल्ड, ही इज ओनली सीकिंग इंफॉर्मेशन। हाँ तो मिस्टर कौशिक, क्या ये संभव है? इज इट पॉसिबल मिस्टर कौशिक? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। फिल्म और टेलीविजन वर्ल्ड में तो ये कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब अलग अलग किस्म के म्यूजिक, डायलॉग या एम्बियंस साउंड को अलग अलग ट्रैक पे ले करने के बाद उसे फिर मिक्स किया जाता है इन ऑर्डर टू गेट ए कंपोजिट इफेक्ट। द प्रोसेस इज नोन एज मिक्सिंग। यस, इट इज वेरी पॉसिबल। तो क्या आप ये कहेंगे मिस्टर कौशिक कि इस तरह के मिक्सिंग के जरिए एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा सकता है जो कि हकीकत में न रहा हो? मिसाल के तौर पर कोई भी 2 आदमी किसी रेलवे स्टेशन या रेस्टोरेंट में किसी खास वक्त पर मौजूद न भी रहे हों, तो क्या यह संभव है कि आवाज़ों को मिक्स करके ऐसा वातावरण क्रिएट किया जा सके जिससे कि लगे कि वो दोनों किसी रेस्टोरेंट में या रेलवे स्टेशन के अंदर बैठकर बातचीत कर रहे हों? जी हाँ, क्यों नहीं, ये बिल्कुल संभव है। थैंक यू मिस्टर कौशिक। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। जी हाँ, मैं वहाँ थी। हम लोग उस होटल में इकट्ठा हुए थे एक गेट टुगेदर के लिए।
हमारे कुलीग है मिस्टर मित्रा, उनका बर्थडे था। उनकी पोस्टिंग दिल्ली में है, लेकिन उस दिन वो बॉम्बे में ही मौजूद थे। चूँकि इवनिंग के फ्लाइट से उन्हें वापस जाना था, इसलिए बर्थडे गेट टुगेदर लंच पर रखा गया। और बिनी वो क्या कर रही थी वहाँ? बिनी तो स्कूल में थी। अब मेरा मतलब है, राजपाल साहब बिन्नी को स्कूल से पिकअप करने वाले थे, तो हम लोगों ने कहा कि बिन्नी को भी साथ लेकर चलते हैं लंच के लिए। शी इज़ ए वेरी क्वाइट गर्ल एनीवे। इस तरह बिन्नी भी हमारे साथ बोली। नो मोर क्वेश्चंस माय लॉर्ड। थैंक यू मैम। थैंक यू। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। एक एक करके हमारे सारे गवाहों का बयान सीओडी ने अपनी तरफ मोड़ लिया। नाउ व्हाट वाज दिस डे? मेरी राय में हमें बिन्नी को कोर्टरूम में पेश करने के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह के केसेस में विक्टिम के बयान को काफी वजन दिया जाता है। बट दैट्स नॉट अग्रीड ऑन मिसेस रेगे। हमने ये तय किया था कि हम बिनी को विटनेस बॉक्स में हरगिज़ नहीं लाएंगे। बट दैट्स द ओनली हेल्प लेफ्ट, बिलीव मी। आई कांट अग्री टू दिस। हम सब ने ये साफ साफ तय किया था कि हम बिनी को कतई कोर्ट में नहीं लाएंगे। शी इज सो फ्रेजाइल। बड़ी मुश्किल से वो अपने ट्रॉमा से बाहर आई है। मिसेस रेगे, रियली ये बहुत रिस्की हो सकता है बिनी के लिए। उसकी मौजूदा दिमागी हालत देखते हुए I know. मैं भी माँ हूँ। विश्वास रखिए, मुझे भी बिन्नी की बहुत फिक्र है। मैं उसे आम अदालत में पेश नहीं करूंगी। मैं चेंबर ट्रायल की मांग करूंगी। चेंबर ट्रायल? जी हाँ, चेंबर ट्रायल। हालांकि इसमें भी जज होते हैं, वकील होते हैं, गवाह होते हैं, पर इसका माहौल आम अदालत से अलग होता है। ना ही आम अदालत जैसा कमरा होता है, ना ही आम अदालत जैसा फर्नीचर होता है, और यहाँ के जज और वकील भी रोजमर्रा के कपड़ों में होते हैं। इसके अलावा बाहर के लोगों को, माने प्रेस वाले, विजिटर्स, इन्हें अंदर बिल्कुल आने नहीं दिया जाता। जो भी सवाल जवाब करने होते हैं वो इसी कमरे के अंदर होते हैं। क्या ये जरूरी है? मिसेस राजपाल, आप ही बताइए, आपके बच्चे के साथ इतने भयावह हादसों के बाद क्या हमें अपराधी को सजा दिलवाने की पूरी कोशिश नहीं करनी चाहिए, चाहे इसमें कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए? पर मिसेस रेगे, कहीं विनी डर ना जाए। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि बिन्नी को आमने सामने होकर मिस्टर राजपाल को देखना ही न पड़े। इसके लिए मैं जज साहब से स्पेशल परमिशन ले लूंगी। ठीक है। मिरर एडजस्ट करो। हाँ, और तो नहीं, वापस करो थोड़ा और, थोड़ा। हाँ, अब ठीक है, जरा सा और करो। हाँ, अब ठीक है। हाँ तो देखो बिनी, वो जो सामने आईना रखा है ना, वो छोटी मेज पर, उसमें मुझे एक आदमी की शक्ल दिखाई दे रही है। अब हम उसे थोड़ा सा घुमाएंगे, तब तुम्हें भी उसके अंदर उसी आदमी की शक्ल दिखाई देगी। तुम्हें उस शक्ल को पहचानना है और उसके बारे में जो भी सवाल किए जाएंगे उनके जवाब देना है। ठीक है, जवाब दोगी ना? सॉरी।
सुहासिनी जी प्लीज। थैंक यू मिस्टर बोस। देखो बिन्नी, तुम्हें जिस आदमी की छाया इस मिरर में दिखाई देगी, मैं उन्हें यहां से सीधे सीधे देख सकती हूं। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी वैसी चीज हुई तो मैं फौरन आईना घुमा सकूंगी और उन्हें रोक सकूंगी, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, जो भी सवाल मैं तुमसे पूछूंगी या हमारे साथी तुमसे पूछेंगे, उनका जवाब बिना किसी डर के और सच्चाई के साथ देना, ठीक है मेरा? प्लीज जी। डरो मत बिन्नी, मैं हूं ना, देखो मिरन में। शीशे में तुम्हें किसका चेहरा दिखाई दे रहा है? आदमी का। आदमी का? क्या तुम इस आदमी को पहचानती हो? हाँ। कौन है ये आदमी? तुम्हारे पिताजी है ना? क्या कहा तुमने बिन्नी? हाँ या नहीं? नहीं। ये तुम्हारे डैडी नहीं है? नहीं। तो फिर कौन है? आई डोंट नो। पर तुमने तो कहा था कि तुम पहचानती हो इन्हें। हाँ। तो फिर कौन है ये आदमी? मिनी का फादर। मिनी का फादर? पर तुमने तो कहा था कि मिनी ने अपने फादर को मार दिया। हाँ। तो फिर इसे, इसे, इसे। In the absence of any clinching evidence, despite prolonged remand, this court turns down the prosecution's plea for another extension of the remand and accedes to the defense request that the accused be released immediately on bail. However, the accused is ordered not to leave town without the permission of this court and present himself every alternate day at the local police station to confirm his attendance. Clinching evidence. No clinching evidence. किस तरह का कानून है ये? हाँ? What kind of a law is this? अंधा कानून. क्या? अंधा कानून? यही कहा मैंने शैली. शैली, कानून अंधा होता है. अरे तुमने देखा होगा ना फिल्मों में किस तरह से कानून की मूर्ति को अदालत में दिखाया जाता है. आंखों पर पट्टी. जोक मत करो दीपू, आई एम रियली फेड अप, आई एम रियली एंग्री। अरे यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें इससे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, रियलिटी को समझना चाहिए। पता है कानून को अंधा क्यों माना जाता है? क्योंकि कानून किसी भी साइड के साथ पक्षपात नहीं करता, वो सिर्फ तथ्यों की साइड लेता है और इन्हीं तथ्यों या फैक्ट्स को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। ओह गॉड, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। तुम भी बस, जो बात तुम और तुम्हारा ये कानून और वो जज समझ नहीं पा रहे वो ये है कि एक खतरनाक अपराधी आजाद कर दिया गया है, उसे खुला छोड़ दिया गया है, जो कि दूसरे मासूम बच्चों के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। एंड योर सो कॉल्ड लीगल सिस्टम इज टेकिंग नो कॉग्निजेंस ऑफ दिस फैक्ट। रिलैक्स, कूल इट।
कॉफी ठंडी हो रही। चीयर्स। हाँ बेब, बेब नाम है। हाँ पर बेटा बेब तो मिल नहीं रही, पर ये लोग कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छी कसरत है 101 डालमेशियंस अबाउट ब्यूटीफुल डॉग्स, बहुत अच्छी फिल्म है, वो ले आओ। ठीक है वो ले आओ। ठीक है मैं लेकर आती हूँ, बाकी की शॉपिंग करके मैं सीधा घर आऊँगी। ठीक है ओके बाय। ओके बाय बाय। I'm Daniel Fagerty. You'll find us rough, sir. You'll find us ready. This is little Emily, sir. Emily, say hi to dear to Mr. Copperfield. Usually fading toward the corner. 5 for 10, but aren't that far away from him as far as the score is concerned. Jackson gets the high pick from Smith, swings it around to Miller. Rebound. Childs to Thomas. देख बच्चे तू मेरा खून है, मेरा मेरा क्रिएशन है तू, मैंने बनाया है तुझे, इसलिए तुझ पर पूरा हक है मेरा, क्योंकि मैं तुझे प्यार करता हूं, मैंने पाला है तुझे, संभाल के रखा है तुझे, और तूने मेरे साथ क्या किया, मुझे कटघरे में लाके खड़ा कर दिया, किसकी वजह से, उस बेशरम औरत की वजह से जिसे तुम मां कहती हो, जो मुझे छोड़कर चली गई और तुझे भी छोड़कर चली गई, कौन होती है मेरे मामले में दखल देने वाली, वो मुझसे अलग करके तुझे यहां रखने वाली है, देख लिया ना सबने, अदालत ने भी कह दिया मेरा कोई कसूर नहीं है, अब तुझे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता है, मुझसे कोई अलग नहीं ले जा सकता है, मुझसे कोई अलग नहीं ले जा सकता, मुझसे मुझसे कोई अलग नहीं ले जा सकता।